बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है और चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच बीते दिन आयोजित हुए कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के 11 चरणों में करवाए जाने की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के आयोजन को 10 चरणों में करवाए जाने का ऐलान किया था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव को अब सरकार ने 11 चरणों में करवाने की बात कही है, जिसके साथ ही बिहार के तमाम राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। वैसे तो पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं लड़ा जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और पर्दे के पीछे की रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें महागठबंधन की भूमिका अहम देखी जा रही है। महागठबंधन की तरफ से राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही सक्रिय हो गई हैं। हालांकि इन सब के बीच एक राय नहीं बनी है। इस बाबत कांग्रेस, राजद और माले के नेताओं की राय अलग अलग है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन का कहना है कि पंचायत चुनाव का इतिहास रहा है कि सबसे अधिक राजद से जुड़े लोग ही चुनाव जीत कर आए हैं। वो दावा करते हैं कि 50% हमारे लोग पंचायत में जीते हुए हैं, इसे अब आगे बढ़ाना है। एक सीट पर हमारे समर्थित दो या उससे ज्यादा उम्मीदवार अगर सामने आते हैं तो कोशिश यही रहेगी कि अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए, कोई एक ही उम्मीदवार मैदान में उतरे तो राजद समर्थित हो, आपस में लड़ाई करके एक दूसरे का नुकसान नहीं किया जाए। इसको लेकर राजद ने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी हाल ही में की थी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के बयान को देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिला स्तर पर दौरा किया है और कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम किया गया है। ऐसे में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सभी जगह पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये साफ किया है कि अगर पंचायत चुनाव का आयोजन पार्टी स्तर पर होता तो समझौते की बात आ सकती थी। पंचायत चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जा चुके हैं। वहीं माले के राज्य सचिव कुणाल की माने तो बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर शुरू से ही उन्होंने मांग की है कि पंचायत चुनाव पार्टी स्तर पर करवाए जाए, लेकिन इसके लिए सरकार ने ही सहमति नहीं दी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी मिलकर चुनाव लड़ना है या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। इस बार पंचायत चुनाव में 11 चरणों में वोट डाले जाएंगे। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, इसके बाद 29 सितंबर को, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि इस चुनाव में किस पार्टी की कितनी भूमिका रहेगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, और खासकर इस पूरे चुनाव में महागठबंधन की क्या भूमिका रहेगी ये भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो महागठबंधन में पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।